नमस्कार, मैं हूँ राजदा और स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम सुनहरी यादें में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम उन सुनहरे दौर की यादों को ताजा करते हैं जिनके गाने आज भी हमारे जहन को सुकून दे जाती है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की जिनकी स्वरबद्ध आवाज और संगीत ना सिर्फ देश के हर घर में गूंजी बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया। बचपन से वो भले ही दुनिया की रंगीनियों को देखने में सक्षम ना रहे हों, लेकिन अपने गीतों में उन्होंने दुनिया के हर रंग को पिरोया और गीत को यादगार और अमर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिवंगत रविंद्र जैन की। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। जैन साहब एक ऐसे शख्सियत थे जिनमें गीत, संगीत और गायन तीनों कलाएं एक साथ मुखर होती थी। उनकी रचनाएं भारतीय संगीत जगत की यादगार रचनाओं में से एक है। उनका मानना था कि संगीत के लिए धैर्य और साधना की जरूरत होती है। शॉर्टकट से थोड़ी सिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खत्म हो जाता है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जो आधा आधा जवान रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अपना बनाने को पंच करे देखो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित और आयुर्वेदाचार्य थे। संगीत से उनका लगाव बचपन से ही था। भक्ति संगीत से उन्होंने अपने संगीत सफर की शुरुआत की थी। रविंद्र जैन बचपन से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। उन्होंने अपनी सहन शक्ति को इस तरह विकसित कर लिया था कि जिस भी ध्वनि को वो एक बार सुन लेते थे उसे याद कर लेते थे। रविंद्र जैन के करियर की शुरुआत अलीगढ़ में ही शुरू हो गई थी। जब वो पढ़ाई ही कर रहे थे उसी दौरान
उन्होंने कई जैन कवियों की रचनाओं को अपने सुरों में पिरोकर उसे अपनी आवाज दी। रविंद्र की इस अद्भुत रचनाओं को देख उनके पिता ने उन्हें पंडित जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और पंडित नाथूराम से संगीत की शिक्षा दिलवाई। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो, महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो चिनाता है गुजरिया, करने का तो चिनाता है गुजरिया, से प्रभावित रविंद्र जैन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने अलीगढ़ से कोलकाता चले गए। साल 1969 को रविंद्र जैन ने कला और संगीत के महासागर मुंबई का रुख किया। 70 के दशक में जब रविंद्र ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा तो लोगों ने सोचा होगा कि जो देख नहीं सकता वो इंडस्ट्री में क्या करेगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिखाया जिसे देखकर आंख वालों के भी आंखें खुली रह गई। चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो नौ उजालों की, बंद आंखों से ऐसे काम करो आंख खुल जाए आंख वालों की। संगीत सम्राट रविंद्र जैन की जीवन की कुछ और अनछुए पहलुओं की चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे।